हेलो एवरीवन, दिस इज़ नाजिया कमर। आई एम द फैकल्टी मेंबर ऑफ खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टिश्यू कल्चर विच इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। सो व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन और क्लोनल प्रोपेगेशन? माइक्रो प्रोपेगेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल सेक्शन ऑफ प्लांट सच एज अ स्टेम, टिप, नोड, मेरिस्टम, एम्ब्रियो और इवन अ सीड। प्लांट के किसी भी पार्ट से लाइक स्टेम, टिप, नोड या मेरिस्टेम या एम्ब्रियो इवन और इवन फ्रॉम सीड के थ्रू जब हम पूरा प्लांट बना लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। और प्लांट का वो पार्ट जिससे हम प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? एक्स प्लांट। सो व्हाट इज़ द स्टेप्स फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन? देर आर फोर स्टेप फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। वन इज एस्टेब्लिशमेंट, नंबर टू प्रोलीफरेशन, नंबर थ्री रूटिंग एंड हार्डनिंग एंड नंबर फोर समटाइम वन स्टेप इज ऑल्सो इंक्लूड इन केसेज वेर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटलेट्स इन सॉइल इज पर्टिकुलरली इलेबोरेटेड। सो दीज आर द पॉइंट। द फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लांट, their sterilization and transfer to neutered media for establishment is called establishment. हमें क्या है, अपने इंटरेस्ट का प्लांट सिलेक्ट करना है, उससे एक्सप्लांट को अलग करना है और उसको स्टेरिलाइज करने के बाद लैब में इन विट्रो में उसको कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कराना है। इसी को क्या बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ प्रोलीफरेशन। प्रोलीफरेशन में क्या करते हैं, जो एक्स प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स प्लांट। नाउ थर्ड स्टेप इज़ रूटिंग एंड हार्डनिंग। इसमें क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ शूट टू अ रूटिंग मीडियम फॉलोड लेटर बाय प्लांटिंग इनटू द सॉइल। रूटिंग और हार्डनिंग में क्या करते हैं, जो प्लांट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसको अलग अलग मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं और उनको उनमें ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। सपोज उसमें रूटनिंग करनी है तो उसमें ऑक्सिन बढ़ा देंगे, ग्रोथ के लिए उसमें साइटोकिनिन और ऑक्सिन का कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो उसमें पर्टिकुलर प्लांट के लिए डिसाइडेड होता है, उसको प्रोवाइड करा देते हैं और इससे प्लांट में धीरे धीरे वो ग्रो करता है और उसमें रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द फ्लो चार्ट फॉर द माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोडक्शन। फर्स्ट सिलेक्ट ऑफ एन एलिट मदर प्लांट, उसमें से एक्स प्लांट को अलग कर लीजिए और उस एक्स प्लांट को सबसे पहले क्या करेंगे? सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो कि हम किससे करते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक हाइपोक्लोराइड की मदद से उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं और उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो कराते हैं और यही फेज़ क्या कहलाती है? एस्टेब्लिशमेंट। अब इसको क्या है, फर्दर दूसरे मीडिया में हमें ट्रांसफ़र करते रहना है क्योंकि फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र करने ज़रूरी है क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट में जितना भी कल्चर मीडिया वो एक लिमिटिंग फैक्टर है और वो टाइम टू टाइम ख़त्म होता जाता है, इसलिए हमें इसको बार बार ट्रांसफ़र करना है फ्रेश मीडियम के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें शूट का फॉर्मेशन होगा। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ शूट और प्लांटलेट्स टू स्टेरिलाइज सॉइल। जैसे जैसे उसमें थोड़ी सी हार्डनिंग और रूट का फॉर्मेशन होगा, मीन्स प्लांट स्टार्ट टू एक्लिमेटाइज इन विट्रो कंडीशन, वी शुड टू ट्रांसफ़र दैट प्लांटलेट्स इन टू द स्टेराइल सॉइल एंड आफ्टर डेट हम प्लांट को नॉर्मल इन्वायरमेंट में या फिर फील्ड में ट्रायल के लिए भेज देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो प्रोपेगेशन। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का कोई भी छोटे से छोटा पार्ट, चाहे वो पॉलन हो, चाहे वो उसकी लीफ हो, शूट हो, एक्सिलरी बर्ड हो, कोई भी पार्ट हो, हम उससे नए प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक छोटे से एक्सप्लांट से नंबर ऑफ प्लांट का रेप्लिका बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन? देयर आर फोर मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। वन इज एक्सिलरी बर्ड प्रोलीफरेशन अप्रोच, नंबर टू ऑर्गेनोजेनेसिस, नंबर फोर एम्ब्रियोजेनेसिस। What is axillary bud proliferation approach? Axillary bud proliferation approach
इसमें भी क्या है, फर्दर टू टाइप्स हैं, वन इज़ मेरिस्टेम एंड शूट टिप कल्चर। इस कल्चर में क्या करते हैं, जो एक्स प्लांट है वो हम या तो मेरिस्टेम लेते हैं प्लांट का या शूट टिप। सबसे पहले मेरिस्टेम कल्चरिंग की थी मॉरेल और मार्टिन ने 1952 में, और वो भी किस प्लांट के साथ, डहिलिया प्लांट के साथ। फिर उसके बाद जो है शूट टिप कल्चर किया था जी मॉरेल ने 1965 में विद द प्लांट ऑर्किड प्लांट साइमेम्बीडियम। और ये जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके साथ है, हर्बेशियस प्लांट के साथ। सेकंड टाइप ऑफ एक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन अप्रोच इज़ बर्ड कल्चर। बर्ड कंटेन एक्टिव मेरिस्टेम डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्लांट। द वेरियस टाइप ऑफ यूज्ड इन बर्ड कल्चर आर सिंगल नोड कल्चर और एक्सिलरी बर्ड कल्चर। बर्ड कल्चरिंग क्या है, प्लांट में जो बर्ड होती हैं, फ्लावर बर्ड हैं या फिर वो एक्सिलरी बर्ड हैं या नोड पर जो नोडल बर्ड हैं, उनको हम क्या करते हैं, एज एक्सप्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन कराते हैं। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि हमने प्लांट को, प्लांट ले लिया, एक्सप्लांट ले लिया, उसको मीडियम में ग्रो करा दिया। अब ऑर्गेन्स किस किस की तरह का से फॉर्मेशन उसका होता है। अगर इस डेवलपमेंट में एक्सप्लांट से मैच्योर प्लांट के डेवलपमेंट के बीच कैलस का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रकार, इस तरह के ऑर्गेनोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है इस डेवलपमेंट में, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम सोमेटिक सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये कैलस एक इंटरमीडिएट फेज रहती है। इट इज़ नॉट कॉमन माइक्रोपोपिगेशन टेक्निक बट करेंटली बींग यूज टू प्रोड्यूस सुपीरियर पाइन सीडलिंग। एम्ब्रियोजेनेसिस इज ऑल्सो टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकेंड इज इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस टू टाइप ऑर्गेनोजेनेसिस इज एग्जैक्टली सेम एज द ऑर्गेनोजेनेसिस वेयर कैलस इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इस कैलस इज नॉट फॉर्म, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।